नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हॉस्ट यूट्यूब चैनल। मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने नई वीडियो में। आज लेके आए हम आपके लिए सेक्टर 12 की लोकेशन पे सन सुंदरदास अपार्टमेंट है दोस्तों। सोसाइटी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड होने वाली है वाली। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ सोसाइटी के अबाउट सोसाइटी, तो 120 के आसपास इसमें फ्लैट मिलते हैं। 4 बेडरूम का एक ही सेगमेंट आता है, 4 बेडरूम का सेगमेंट आता है इसमें। FAR इसमें हो चुका है, पार्क के नाम पे इसमें एक बीच में एक पार्क स्पेस आता है, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस तरीके का पार्क रहने वाला है। सोसाइटी में पार्किंग स्पेस आपको ओपन मिलता है, स्टिल पार्किंग नहीं है, एंड बेसमेंट पार्किंग भी नहीं है, ओपन पार्किंग स्पेस मिलता है इसमें। ज़्यादा बड़ा प्लॉट साइज नहीं मिलता है इसमें, बट इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी लोकेशन और इसका जो जेंट्री है वो बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। ये हो जाता है सोसाइटी का अबाउट सोसाइटी। नाउ वी टॉक अबाउट द सोसाइटी का लोकेशन। सेक्टर 12 का लोकेशन है, तो यहाँ से आपको मार्केट, मेट्रो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ 1 किलोमीटर के अंदर मिलता है। ऑलमोस्ट सोसाइटी के बैक साइड में आपको मेट्रो मिलता है, सामने स्कूल मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है, देन सोसाइटी के बैक साइड में ही आपको एक मार्केट स्पेस भी मिलता है। अब करते हैं इस फ्लैट की बात। ये 4 बेडरूम का फ्लैट है, न्यूली फर्निश्ड फ्लैट होने वाला है। सबसे अच्छी बात है इस फ्लैट की, इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट के बीच का फ्लैट है। पूरे दिन की धूप आती है पूरे फ्लैट में। 7th फ्लोर का फ्लैट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया फ्लैट है। लोकेशन बहुत अच्छी है पर्टिकुलर फ्लैट के, साथ साथ में काम बहुत अच्छा किया हुआ है इस पर्टिकुलर फ्लैट में। तो आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को। ये लॉबी स्पेस मिलता है आपको, 2 फ्लैट उस तरफ मिलने वाले हैं, 2 फ्लैट इस तरफ, 2 लिफ्ट केस, 1 स्टेज इस तरफ, 1 स्टेज आपको उस तरफ मिल जाता है। आज जिस फ्लैट का हम गो थ्रू कर रहे हैं वो ये वाला फ्लैट मिलता है आपको। इसका जो फ्लैट नंबर है वो 371 है, 371 फ्लैट नंबर है। इंक्लूड करके आप टोटल नंबर निकाल सकते हैं इसका। बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो जो एग्जिट है इसका नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन है, फ्लैट नंबर हो जाता है। एंट्री बता दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके का टाइलिंग का कुछ काम है, वुडन वर्क का काम किया गया है, अच्छा गला कंट्रास्ट में काम इसमें आपको मिल जाता है, गला कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद डोर क्वालिटी में बात करते हैं, आपको एक डिजिटल लॉकर मिल जाता है, देन डोर क्वालिटी ऑल्सो गुड। जैसे आप एंटर करेंगे फ्लैट में, यू डायरेक्टली एंटर टू द लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। एल शेप में लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है आपको, इस तरीके का लिविंग साइज मिलता है, लिविंग एंड डाइनिंग साइज मिलता है आपको। लेआउट समझा देता हूँ, दैट्स योर लिविंग डाइनिंग स्पेस। किचन आ जाता है बहुत ही बड़ा साइज़ में, यहाँ पे आपको 1st बेडरूम आता है अटैच बालकनी के साथ, 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम और 2 बालकनीज आती हैं आपको इस तरफ मिलती हैं। तो इस तरीके का फ्लैट का लेआउट मिलने वाला है आपको। दिस इज़ द लिविंग स्पेस जहाँ पे हम खड़े हुए हैं अभी, आपको एल शेप में लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है आपका। ऊपर बहुत अच्छा फॉल सीलिंग का काम है, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है, साथ साथ में जो वॉल पेंट मिलता है आपको वो बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट में मिलता है। इस तरीके का आपको लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है। नाउ वी टॉक अबाउट द फुली लोडेड किचन स्पेस, जो कि आपका बहुत बड़े साइज में आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करता हूँ इस साइज़ की, तो इधर यहाँ पे आपको एक स्टडी स्पेस मिलता था, जो कि यहाँ पे कवर करके किचन में ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से लेआउट है, यहाँ पे आपका एक स्टडी स्पेस मिलता है, स्टडी रूम मिलता है, जिसको हटा के किचन स्पेस में ऐड कर दिया, जिस वजह से आपका किचन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर बात करते हैं पहले इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है प्रॉपर तरीके से, ये आपको OTG के ऑप्शंस मिलते हैं इस तरफ, यहाँ पे स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपके फ्रूट बास्केट आने वाले हैं और आएंगे भी, थोड़ा टाइम में लगेंगे इसमें। साथ में ये आपको पेंट्री स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इस तरफ आपको सिंक स्पेस है, ओवरहेड बहुत बड़ा स्टोरेज है, नीचे भी बड़ा स्टोरेज मिल जाता है। सामने आता है आपका प्रॉपर आपका प्लेटफॉर्म, जिसपे आप दैट्स योर होप स्पेस। यहाँ पे आपको चिमनी का स्पेस आता है, नीचे आपको फुली लोडेड किचन स्पेस के कैबिनेट्स मिलने वाले हैं, जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। इस तरफ देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा काम किया गया है, ग्लास का काम मिल जाता है यहाँ पे आपको, नैनो पत्थर का काम किया गया है, जो कि बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट बनाता है। इधर UPVC का काम मिलता है फॉर योर वेंटिलेशन स्पेस, इस तरीके से पूरा काम आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक फ्रिज का स्पेस छोड़ा गया है, जो कि बहुत बड़ा स्पेस है, आपका डबल डोर फ्रिज इजीली यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका डाइनिंग स्पेस आता है, इधर भी आपको फॉल सीलिंग का काम बहुत बढ़िया मिलता है, कलर कंट्रास्ट ऑन वॉल पेंट्स इज वेरी यू नो। नाउ वी कम टू द, ये आता है दोस्तों आपका पहला बेडरूम एरिया, जो कि कुछ इस तरीके के साइज में आपको मिलता है। साइज ऑलमोस्ट आपका इसमें 12x14 के आसपास का साइज मिलता है, इंक्लूड द कबर्ड स्पेस। ऊपर देखेंगे इस तरीके का फॉल सीलिंग का काम मिलता है, और साथ साथ में यहाँ पे मिलती है एक बालकनी स्पेस, जहाँ से आपको सोसाइटी का ओवरव्यू मिलता है, और साथ साथ में ईस्ट टू वेस्ट के बीच में बालकनी मिलती है, तो इसमें आपको अच्छी धूप मिलने वाली है। ये सोसाइटी का कुछ पार्क स्पेस है, नीचे इतना बड़ा पार्क मिलता है आपको,
और साथ में एक छोटा पार्क उस तरफ भी मिलने वाला है। सामने इस तरीके से कुछ ग्रीन स्पेस आता है, सारा का सारा डीडी लैंड है सामने। इधर आपका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल एंड स्कूल पड़ता है और ये सारा आपको ग्रीन स्पेस सामने आपको मिलने वाला है। ये सोसाइटी का ओवरव्यू देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सोसाइटी का ओवरव्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एरिया। कबर्ड स्पेस का काम कुछ इस तरीके से मिलता है, कलर कंट्रास्ट अच्छा है, सनमाइका का एंड देन सेपरेशंस भी अच्छे किए हुए हैं इसमें आपको। ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एरिया। नाउ दिस इज योर मास्टर बेडरूम, यू कैन कंसीडर दिस एज अ मास्टर बेडरूम। ये आपको मिलता है बहुत अच्छे साइज का बेडरूम स्पेस। ऊपर फॉल सीलिंग का काम है, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है, एसी की फिटिंग्स आपको मिल जाती है। बेडरूम साइज बहुत बड़ा मिलता है, ऑलमोस्ट 11x15-16 के आसपास का साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सामने आपको कबर्ड स्पेस का कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है सनमाइका का। देन सेपरेशंस भी देखेंगे, अच्छा सेपरेशंस है, साइज बहुत अच्छा है और अच्छा काम इसमें आपको मिलता है। लाइटिंग का भी काम आपको मिल जाता है, 3-door कबर्ड स्पेस है विच इज़ वेरी गुड इन साइज। अब इसके बात करते हैं, इधर भी मिलती है एक बालकनी स्पेस जो कि आपको कुछ इस तरीके से व्यू करती है, जो कि आपका ये वाली बालकनी भी करती थी। ईस्ट टू वेस्ट के बीच में बालकनी, तो ऑल दो पूरे दिन की धूप इसमें आपको मिलने वाली है। ये सामने ग्रीन फेस करता है प्रॉपर तरीके से, अच्छा व्यू मिलता है। और इस तरफ आपको मिलता है एक मंदिर स्पेस जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इस तरीके का आपको मिलता है इस वाले बेडरूम से व्यू। एंड दिस इज अटैच वॉशरूम विद डैट, और ये इस वाले बेडरूम के साथ भी अटैच मिलने वाला है। फिटिंग्स आपको सारी जयगोर की मिलती है, कलर कंट्रास्ट स्टाइलिंग का बहुत अच्छा है, ग्रे कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है। ये आपका शार एरिया हो जाता है, आपका WC एंड दिस इज योर स्टोरेज एंड सिंक स्पेस का काम मिलता है। इधर वेंटिलेशन आ जाता है आपका, गीजर की फिटिंग्स वगैरह सारी आपको इसमें मिलने वाली है। ये होता है आपका सेकेंड बेडरूम एरिया। देन उसके बाद वी कम टू द थर्ड बेडरूम एरिया। ये आपको थर्ड बेडरूम एरिया मिलता है कुछ इस तरीके से, इसका भी इनफ गुड साइज मिलता है आपको, मतलब इस बेडरूम का। ऊपर फॉल सीलिंग का काम है, सारे के सारे आपको देखेंगे बढ़िया काम किया गया है। इधर आपको कबर्ड स्पेस मिलता है, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिल जाता है। ये आती है आपकी एक और बालकनी स्पेस जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाली है। आप ये पीछे देखेंगे मेट्रो लाइन जा रही है सामने, ये आपको मेट्रो लाइन है, तो इजी एक्सेस रहता है आपका मेट्रो का, 5 मिनट वॉकिंग का डिस्टेंस है यहाँ से। इस तरीके से सारा ग्रीन स्पेस करता है। ये सामने ईस्ट है तो बढ़िया धूप मिलती है आपको इस लोकेशन पे। सोसाइटी का एक बहुत अच्छी लोकेशन का फ्लैट मिलने वाला है। इधर आपको टैप ऑप्शन मिलता है, इफ यू वांट यू कैन अपना ड्राई स्पेस भी बना सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके का उसका काम है, कबर्ड स्पेस आता है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। 3-door कबर्ड स्पेस है, अच्छे साइज में आपको मिलता है। ये सेम वॉशरूम आपका कनेक्ट होता है जो कि आपका मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड था। यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे आप अपना सेकंड बेडरूम एरिया, सेकंड वॉशरूम एरिया जो कि कॉमन वॉशरूम एरिया है। साइज आपको इस तरीके से मिलता है, शार एरिया, WC एंड स्टोरेज स्पेस। कलर कंट्रास्ट आइडिंग का बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन स्पेस मिलता है, सारा जयगोर का फिटिंग्स में आपको मिलने वाला है। दिस इज योर लास्ट बेडरूम एरिया जो कि कुछ इस तरीके के साइज में आपको मिलता है दोस्तों। साइज बहुत अच्छा है, इधर आपको देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन का काम मिल जाता है, इसको आप एज अ बालकनी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका देखेंगे मेट्रो लेन बहुत पास है, ये सामने आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, ये सारा आपका मेट्रो का लेन है। और ये पीछे आपको सेक्टर 12 का सिटी सेंटर मॉल मिलने वाला है। यहाँ पे आपको देखेंगे वर्टिकल टाइलिंग का काम, ऊपर आपको मिलता है फॉल सीलिंग का काम एंड देन वॉशरूम एंड दिस इज योर कबर्ड स्पेस एरिया। वॉशरूम साइज बहुत अच्छा है, कलर कंट्रास्ट स्टाइलिंग का बहुत खूबसूरत किया गया है, ड्यूल कलर कंट्रास्ट स्टाइलिंग का मिलता है इसमें आपको। जैगुआर फिटिंग मिल जाती है सारी की सारी, वेंटिलेशन मिल जाता है, बहुत अच्छा तरीके से कलर कंट्रास्ट में इसमें काम किया हुआ है। इधर आपको कबर्ड स्पेस मिलते हैं जिसका साइज बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, सेपरेशन अच्छा है, साइज आपको अच्छा मिलता है, डेप्थ भी अच्छी मिलने वाली है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कंप्लीट, सन सुंदर दास अपार्टमेंट, सेक्टर 12 का लोकेशन है, 7th floor का फ्लैट है, नॉर्थ वेस्ट का एग्जिट मिलता है, 731 नंबर है फ्लैट का। तो आप उसके हिसाब से इसका जो डिमांड है दोस्तों वो 3-30 lakh रुपए का डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है। आप आइए पसंद कीजिए, आपको बहुत अच्छी डील लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन द्वारका और यू आर जस्ट वॉन्ट टू सेल योर प्रॉपर्टी इन द्वारका, तो उसके लिए भी आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।